एक शुरुआत हुई, एक जो आगाज हुआ है, एक ऐसा विषय जिसको लोग छूने की कोशिश नहीं करते। हम साथ के साथियों ने एक तरीके से बनने के छत्ते में हाथ डालने की कोशिश की जिससे लोग डरते हैं, और जिस काम से लोग डरते हैं उसको करने वालों को लोग बहादुर कहते हैं, साहसी कहते हैं, और मुझे लगता है इसके लिए सबको जोरदार तालियां बजाना। वो इसलिए है कि अगर आप एक ऐसा वक्त है जब अपने घरों में बैठकर बाहर जलती चिंगारियों को शोलों में तब्दील होते हुए देखते रह जाएंगे, तो अगर हिंदुस्तान की सूरत नहीं बिगड़ती है तो उसमें बिगाड़ने वालों में हमारा नाम भी दर्ज होगा। क्योंकि जब हमें कोशिश करनी थी, जब हमें लोगों को इकट्ठा करना था, लोगों से बातचीत करनी थी, तब हम अपने घरों में सोते रहे। लेकिन हम साथ के साथियों को लगा कि जैसे एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर की कोशिश करती है कि वो आग बुझाए, ताकि जब बात हो इतिहास में तो चिड़िया का नाम आग बुझाने वालों में आए, तमाशा देखने वालों में नहीं आए। मैं चाहूंगा कि हमारा आज का जो सत्र है वो इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करे। तारिक साहब ना केवल इस्लामिक स्कॉलर हैं, एक बड़ी अच्छी बात यह है कि उन्होंने वेदों का और दूसरे धर्म के ग्रंथों का भी बड़ा अच्छा अध्ययन कर रखा है, और मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस पैनल में मुझे रघुरमन साहब भी बहुत मिले हैं, क्योंकि रघुरमन साहब अपने मैनेजमेंट पढ़ने के जरिए युवाओं के दिल के बड़े करीब हैं, और युवाओं को अब हम उम्मीद उन्हीं से कर सकते हैं जिन लोगों के दिमाग भ्रष्ट हो गए धर्म के नाम पर, और बचपन से उनके दिमाग में अगर कूड़ा भर दिया गया है तो उसको अब साफ कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो युवा है जिनसे आप लगातार रूबरू होते हैं, देश की उम्मीद भी वही है, आने वाला कल भी उन्हीं के हाथ में है। और जैसे मैं विवेकानंद को शुरू में कोट कर रहा था कि उन्होंने कहा कि मैं उस ईश्वर का उपासक हूं, अज्ञानी लोग जिसमें मनुष्य कहते हैं, उन्हीं के एक और कोटेशन से वापिस मुझे मानव के पास आऊंगा। उन्होंने कहा था, कितनी खूबसूरत व्याख्या है, और जो युवाओं की बात रघुवंश साहब से जुड़ी, उन्होंने कहा कि अगर तुम युवा हो तो मंदिर में बैठकर गीता पढ़ने की बजाय मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। फुटबॉल को जितनी ऊंची की तुम लगाओगे तुम ईश्वर के उतना ही करीब पहुंच जाओगे। कर्म योग की इससे बढ़िया व्याख्या, आपका जो कर्म है अगर आप उस पर ईमानदारी से करोगे तो उसी से आप ईश्वर की इतनी सुंदर व्याख्या है, क्यों हाशिए पर चली जाती है। कर्म का सिद्धांत है, उसका जो अनुक्रमण कर्म है, अभी भूख लगी है और उस भूख को समाप्त करने के लिए हम तुरंत कर्म करते हैं, अर्थात हम रोटी खा लेते हैं या भोजन प्राप्त कर लेते हैं, और वो कर्म जो है अपना पूर्ण हो जाता है, त्वरित फल मिल जाता है, वो किसान का कर्म है। दूसरा अगर आप देखें तो चिड़िया का भी अपना कर्म, अपनी चोट से दाना निकालती है और अपने बच्चों को, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे इस प्रकृति में चहचाना है और आने वाली पीढ़ी को भी चहचाना है, और चहचहाते हुए सबको देखना है, चाहे कोयल हो चाहे वो, अपने चोट से अपने बच्चों का धर्म ग्रहण करते हैं, एक देर में उसका धर्म मालूम होता है, उसके कंधे पर आप फल रख दीजिए, उसे मालूम है कि उसका धर्म क्या है। तो प्रत्येक प्राणी मात्र का अपना स्वयं का धर्म है, मात्र वो अनुसरण युगातीत व्यवस्था के अनुसार जो है एक मत जो निर्माण हुआ है वो अपनी शांति और विकास के लिए विचार और कर्म को समन्वय साधकर सार्थकता के लिए स्वीकार। बहुत अच्छी बात कही भाई महाराज जी ने, बहुत सुंदर बात है, और मुझे भी ये लगता है कि जब भी मैं इस तरह के सुंदर व्याख्यान सुनता हूँ मैं खो जाता हूँ, कहीं ध्यान मग्न हो जाता हूँ, और मुझे जब लगता है कि किसान का धर्म खेती करना है, खिलाड़ी का धर्म फुटबॉल खेलना है, चिड़िया का अपना धर्म है, बैल का अपना धर्म है, मुझे लगता है चिड़िया और बैल तो अभी भी भ्रष्ट नहीं हुए, वो अपने धर्म को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। मनुष्य के साथ तो उनकी बात तो हम इस मनुष्य करने की स्थिति में भी नहीं है, मनुष्य को उनकी बात करने की हैसियत अभी थोड़े और समय बाद हासिल होगी। लेकिन सब जब इतनी सीधी बात है, किसान का अपना धर्म, पेशे से जुड़ा हुआ धर्म होगा, फिर ये हिंदू मुसलमान क्या है, ये इस्लाम क्या है, हिंदू क्या है, और इसके नाम पे क्यों झगड़ते हैं? फिर तो ये होना चाहिए कि किसान उसकी फसल ठीक से नहीं उगा पा रहा था तो उसके लिए झगड़े, कोई हिंदू मुसलमान के लिए क्यों झगड़ता है? ये धर्म अगर आचार संहिता है तो फिर मसला क्या है? के सवाल उससे किया आपने हिंदू मुसलमान का, हिंदू तो किसी धर्म का नाम नहीं है, सनातन धर्म है। मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, मैं भी हिंदू, अब बात यहाँ कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, अब
चलिए आप सनातन धर्म की बात कह लीजिए, वो तो धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म के मूल ग्रंथ पे करोड़ों सनातन धर्मी दुनिया में आते हैं चले जाते हैं, उन्होंने दर्शन भी किए, शिक्षक भी नहीं देखे, उनके घरों पर नहीं होते। मेरे घर पर भी है, मैंने अध्ययन भी किया है, मैं उसका प्रचार भी करता हूँ, मैं उस पर आस्था भी रखता हूँ। सनातन धर्म मैं हूँ या आप, भारतीय क्यों आया मुस्लिम, मैंने सनातन धर्म के या हिंदू के बारे में बात की, मुसलमान या मुस्लिम। मुस्लिम उसे कहते हैं जिसने अपनी इच्छाओं को समर्पित कर दिया हो अपने श्रेष्ठा की इच्छा के प्रति, जिसने समर्पित कर दिया हो। तो मुस्लिम के घर मुस्लिम जन्म नहीं लेता धर्म के अनुसार, इस्लाम के अनुसार। यह सरकारी रिकॉर्ड भी इतनी संख्या में मुस्लिम हो सकते हैं। जिसने अपनी इच्छाओं को समर्पित नहीं किया ईश्वर की इच्छा के प्रति, वो मुस्लिम नहीं है ईश्वर की सूची में। कम से कम वो चाहे जिस परिवार में जन्मा हो, तो फिर मुस्लिम जरूरी नहीं कि मुस्लिम के घर पैदा हो जाए। जिसने समर्पण नहीं किया वो मुस्लिम नहीं है। तो ये तो असल में हमारी ये टाइटल बदल गए, और इन टाइटल की मीनिंग बदल गए, जो असल मीनिंग होने चाहिए थे, और वो इसलिए हो गए कि उस मूल से हम कहते। आपने अभी बहुत अच्छी बड़ी इंपॉर्टेंट बात इससे पहले कही थी स्वामी विवेकानंद के हवाले से। कुरान ने कहा, अब हम कहते ना कुरान शरीफ की आयतें 6000 से, ये 6000 से कुछ ज्यादा आयतें कुरान शरीफ में, ये वर्ड ऑफ गॉड है, ये वर्ड ऑफ गॉड है, ये कुरान शरीफ की आयत है। यही कुरान ये कह रहा है, इसलिए 6000 आयतों में से बहुत बड़ी संख्या के अंदर आयतें ये कह रही है कि आयतें तो मैंने सारे यूनिवर्स में फैली हुई, सिर्फ कुरान में नहीं। देखा सूर्य चांद और ये ब्रह्मांड और ये सारी चीजें, मैं अगर एक जगह ने बहुत जगह लेकिन ये आयतें अपने वालों को नजर आएंगी, तो अपने काम लो ना। तो जब वो आया इस कुरान की आयतें जो है वो यूनिवर्स में भी है, सारे इवेंट्स फिनोमिनन जितने हैं वो सब उसको कुरान में आयतें था, और ये शब्द जो है ये आयतें था। तो फिर इन दोनों के अंदर जब से भिन्नता शुरू हुई, जब से धर्म को हम धर्म में से हमने उन आयतों को निकाल दिया जो ब्रह्मांड यूनिवर्स के अंदर से, तब से फिर ये संकीर्णताएं फिर हो गई। ये दो बातें हुई के समझने के अंदर गलती हुई, हम मूल ग्रंथों से कटे हैं। मुसलमान के घर कुरान होता है, उसका अर्थ नहीं जानता तो मार्गदर्शन तो हो नहीं सकता। और सनातन धर्म भी घर से गर्मी से निकल गए। अब फिर हुआ ये कि फिर बहुत से और लोगों ने जैसे जैसे जो भी कुछ कहा उसे धर्म माना जाने लगा, तो जिन चीजों को धर्म कहा जाने लगा और उनमें से जिन्होंने आपस में मतभेद किया वो धर्म नहीं, वो धर्म ही नहीं। मतभेद हो नहीं सकता अगर ईश्वर एक है। और धर्म अभी आपने स्वधर्म की बात कही से कुरान ने, वो भी कुरान की आयत है और गीता ने भी कहा है स्वधर्म और स्वभाव नियत कर, उसकी बात तो कुरान ने भी कही है। ये स्वधर्म और स्वभाव नियत कर तो एक धर्म है, लेकिन फिर सारी मानवता का कलेक्टिवली हर एक का इंडिविजुअल कलेक्टिवली एक धर्म है कि जिसने हमें यहाँ पर मौजूद कर दिया, हम अपनी इच्छा से नहीं है, उसकी इच्छा को धारण करने को धर्म कहते हैं। तो फिर सबसे मूल प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि फिर इतने बहुत से धर्म कैसे हो जाएंगे अगर वो ईश्वर एक है सारे धर्मों के अनुसार, और उसकी इच्छा को धारण करने को धर्म कहते हैं। फिर धर्म होंगे कैसे बहुत से, धर्म तो एक होना चाहिए सदा से चला रहा है। उनकी धर्म ग्रंथों की जो बाकी मूल धर्म है उनकी भाषा बदल सकती है, शैली बदल सकती है, संदेश नहीं बदल सकता। हम उससे कटे हैं इस वजह से यहाँ पर एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के रूप में आपके पास आ रहा हूँ कि आप मैनेजमेंट फंडा लिख रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, ये जो दोनों धर्म गुरुओं से आध्यात्मिक गुरुओं से स्कॉलर्स से हमने बात सुनी, बातें जब ये सुनते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, मूल ग्रंथों से कट गए। तो बीच में ये जो बिचौली आ गए, दलाल आ गए, पंडित पुजारी आ गए, कोई मौलवी आ कोई आ गए, जो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये गड़बड़ कहाँ है, ये पुष्टि हो रही है? क्योंकि देखिए ये सब बातें अच्छी हैं किसी लेख में, किसी निबंध में, किसी भाषण में, किसी गीता वाक्य कुरान में जो नहीं लिखा कि जमीन को वो क्यों होता है, सवाल तो ये बड़ा कठिन सवाल है। मैं जितना कह सकता हूँ, मेरी जो लिमिटेड नॉलेज है, मैं तो स्कॉलर नहीं हूँ लोगों से लेकर धर्म गुरु, मैं धर्म के बारे में जरूर जानता हूँ लेकिन गुरु बनने के लायक तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं धर्म को ऑब्जर्व करता हूँ। मैनेजमेंट गुरु तो आप हैं नहीं व्याख्यान तो कर लेते हैं, बोलते हैं, प्रीच कर लेते हैं,
यंगर जनरेशन है वो आपको प्रैक्टिस करते हुए देखना चाहता है, और ये कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी गैप जो हुई है, और वो गैप क्योंकि बच्चे जो देखते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, आप सिगरेट पीते हो वो सिगरेट पीता है, आप गाड़ी देते हो वो गाड़ी देता है, वो आप गुस्सा करते हो वो गुस्सा करता है, आप महंगी चीजें पहनते हो तो वो महंगी चीजों का इरादा रखता है, वो आप जो प्रैक्टिस करते हो वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। तो हम सिर्फ प्रीच करते हैं, सुनाई बहुत कम मिलता है, दिखता बहुत ज्यादा है। अगर आप दिखा सकते हैं तो हर रिलीजन के बारे में, क्योंकि हर रिलीजन एक ही चीज कहता है। अभी भाई महाराज साहब मुझसे कह रहे थे कि यार बेसिक फंडा क्या है रिलीजन का, तो मैंने कहा मानवता, आप मैनेजमेंट फंडा के साथ बेसिक फंडा भी एक बार शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा रहे, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि युवा जो है वो ढकोसला नहीं चाहते, पाखंड नहीं चाहते, हिपोक्रेसी नहीं चाहते।